मोमेंट और मोहम्मद तारिक। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑपरेटिंग यानी ऑपरेटर्स ऑक्सिलरीज एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक की मैं डिस्कशन दे रहा हूँ। डिस्कशन इस टॉपिक पर है कि हम ज़रा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में या हेल्पिंग वर्ब के बारे में या ऑपरेटर के बारे में पता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो इसको हम देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं आपको ज़रा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑपरेटर क्या है। हालांकि ये एक ही वर्ड है, एक इनके सिर्फ नेम्स जो है वो डिफरेंट है। अब द फर्स्ट वन इज इट इज अ या इज अ ग्रामेटिकल टर्म विच इज यूज टू स्टार्ट क्वेश्चंस। ये ऑपरेटर्स यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है हम यूज करते हैं कि जिससे हम क्वेश्चन शुरू करें, जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और फिर उन्हीं का आंसर जो है हम यस या नो से हम दे दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब जो है हम क्वेश्चन के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड पैसिव फॉर्म्स बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो अब ये ऑपरेटर्स जो है यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ये दो तरह के हैं। इट हैज टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज शॉर्ट ऑपरेटर्स एंड द सेकंड वन इज लॉन्ग ऑपरेटर्स। यू कैन सी शॉर्ट ऑपरेटर्स एंड लॉन्ग ऑपरेटर्स। अब शॉर्ट ऑपरेटर कौन सा है? शॉर्ट ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर्स विच स्टार्ट विद यस नो क्वेश्चंस। यानी शॉर्ट ऑपरेटर जो है यानी उन ऑपरेटर से जब मतलब डू डज जो है जो जिससे क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका जो आंसर फिर होगा वो यस या नो से शुरू होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब था। तो शॉर्ट ऑपरेटर्स में जो ऑक्सिलरी या जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वो है डू है, डज है एंड डिड है। तो ये तीन तरह के ऑपरेटर्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में एंड सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, डू जो है इस्तेमाल होता है व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, और डज इस्तेमाल होता है व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एंड डिड इस्तेमाल होता है व्हेन द सब्जेक्ट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल बट इन द पास्ट। ओके, सो डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ एक क्वेश्चन है, डू यू प्ले क्रिकेट, सो इट्स आंसर यस आई डू और नो आई डोंट और आई डू नॉट। ओके, हम ये इस तरह क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, रिमेंबर। ओके, अच्छा, इसमें इस तरह मालूमात है इस नोट्स में कि जो अवेलेबल है इसमें और वो इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल नहीं है वो मैं वर्बली आपको बताने वाला हूँ कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे सिंपली। सो ये था हमने डू डज और डिड का जो ऑपरेटर है इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सिंपल, इस पर आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस और मुख्तलिफ नेगेटिव स्टेटमेंट्स और पैसिव बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि इसमें हम कैसे काम करेंगे, कैसे हम इसको हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। सो द शॉर्ट ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी ऑपरेटर्स। ऑक्सिलरी ऑपरेटर्स हैं, इसको हम ऑक्सिलरी ऑपरेटर कहते हैं, विच आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में हम डू डस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नोट, ऑक्सिलरी इज यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन है कि ऑक्सिलरी है क्या, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और इस तरह के मुख्तलिफ नेम्स है इसके मुख्तलिफ ग्रामर बुक में। तो आप, मैं देखता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जो है वो चीज़ है यानी वो वर्ड्स है जो क्वेश्चन बना सके, क्लियर, जो क्वेश्चन बना सके, विच आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, थीके? तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जो है लिखे हुए हैं जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस पर मैं आ रहा हूँ इसकी तरफ। लेकिन जहाँ हम क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उनका हम नेगेटिव बनाते हैं और फिर हम उसका इंट्रोगेटिव और पैसिव बनाते हैं तो वो ऑक्सिलरीज की वजह से होती है, ठीक है। ऑक्सिलरी को हम इस्तेमाल करके ही उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पैसिव फॉर्म बनाते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कोई टेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कंजुगेशन प्रोसेस। जो कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इस तरह इनके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना।
सो ऑक्सिलरी का मतलब ये था कि वो क्वेश्चन बना सके, नेगेटिव स्टेटमेंट बना सके, यानी नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो जाए, एंड पैसिव फॉर्म इज कॉल्ड ऑक्सिलरी। जो पैसिव फॉर्म हो यानी उसको हम ऑक्सिलरी कह सकते हैं, ठीक है, यानी पैसिव सेंटेंस बना दे तो उसको हम ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं फिर उसके लिए। अब यहाँ वो कुछ स्टेटमेंट्स है जो मैंने लिखे हुए हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, ही जो है वो यहाँ सब्जेक्ट है और डज जो है यहाँ ऑक्सिलरी है, ठीक है, तो डज की वजह से क्या नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट किस वजह से बन गया, वो ऑक्सिलरी की वजह से, डू डज के साथ फिर उसके साथ नॉट लगाया गया है, ठीक है, तो ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ऑक्सिलरी की वजह से, हालांकि ये सेंटेंस जो है वो तो पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव में तो ऑक्सिलरी नहीं होती, लेकिन हमने अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो डू वी प्ले क्रिकेट, ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है जिससे हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है, और आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन सिंपल पास्ट में इस्तेमाल हुआ है, और डज ही प्ले क्रिकेट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह ये नेगेटिव डजेंट ही प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव क्वेश्चंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको मैं आगे मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तो ये था सिर्फ शॉर्ट ऑपरेटर के बारे में, यानी शॉर्ट ऑक्सिलरी। और रिमेंबर एक बात मैं आपको और बताऊं, जो मैंने लॉन्ग ऑपरेटर से पहले एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद मैं आता हूं इस तरफ, ओके। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स, थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर। द फर्स्ट वन, इफ आई से डू यू प्ले क्रिकेट, अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा, इसके मैं तीन तरह के आंसर्स दे सकता हूं, रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, तीन तरह के आंसर किस तरह हो सकते हैं, अगर मैं यस आई डू ये मैंने आंसर दे दिया, ठीक है, यस आई डू, तो इसका मतलब है कि ये मैंने कौन सा आंसर दे दिया, ये मैंने मॉडरेट आंसर दे दिया, इसको हम कहते हैं मॉडरेट, दिस इज मॉडरेट आंसर, यानी मॉडर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अच्छा, मॉडरेट आंसर इस तरह हम देते, स्पीकिंग पर डिपेंड है या इस बंदे पर डिपेंड है कि वो किस तरह जवाब दे रहा है आपको, ठीक है। जो आप क्वेश्चन करें कि डू यू प्ले क्रिकेट, सो वो आपको मॉडरेट आंसर में भी जवाब दे सकता है यस आई डू, सिंपल, ओके। और दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है सिंपल आंसर, द फर्स्ट वन इज मॉडरेट आंसर, द सेकेंड वन इज सिंपल आंसर या शॉर्ट आंसर यू कैन से। सो बंदा आपको ये भी कह सकता है यस, सिर्फ यस भी आपको कह सकता है, तो ये इनफॉर्मल है, ज्यादातर ये इनफॉर्मल में यूज होता है, ठीक है। और नंबर थ्री, फुल आंसर, फुल आंसर यस आई प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट, तो इस तरह भी जवाब आपको मिल सकता है। तो ये था फुल आंसर, क्या फुल आंसर, तो फुल आंसर में हम इस तरह जवाब देते, तो इसको हम कहते हैं फुल आंसर, फुल आंसर। और यह है शॉर्ट आंसर, कौन सा शॉर्ट, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। अच्छा, तो ये तीन तरह के यानी जो हम शॉर्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और फिर उसका जवाब हम देते हैं, तो जो क्वेश्चन पूछा जाए और फिर उसका हम जवाब देते हैं, तो इसके तीन तरह के आंसर हैं। रिमेंबर, जो फर्स्ट वन है मॉडरेट आंसर, द सेकेंड वन इज शॉर्ट आंसर, एंड द थर्ड वन इज फुल आंसर, ओके। तो इस तरह हम मुख्तलिफ जवाब दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास जो टॉपिक है उसके साथ वो है लॉन्ग ऑपरेटर, द सेकेंड वन टाइप इज लॉन्ग ऑपरेटर। अब लॉन्ग ऑपरेटर क्या है, सो लॉन्ग ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, यानी वर्ड्स इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स जो है उससे स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जिस तरह के हु है, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, अगर इस तरह के वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए और वो डब्ल्यू एच वर्ड्स हो तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब ये है कि या तो ये क्वेश्चन डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, जिस तरह के वाई है, व्हेन है, वेयर है, और या तो हाउ से स्टार्ट होगा, जिस तरह के हाउ, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू यानी इंग्लिश ग्रामर में, तो ये हमारे पास है लॉन्ग ऑपरेटर्स।
जिस तरह की हम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम ये करते कि वेयर डू यू लिव, आई लिव इन पाकिस्तान, सिंपल आई लिव इन पाकिस्तान, ये मैंने जगह के बारे में पूछा, जगह के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर दी थी कि वो पाकिस्तान में रहता है। इसलिए ना सो लॉन्ग ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड डब्ल्यू एच और मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स, या तो डब्ल्यू एच वर्ड्स ऑपरेटर कह सकते हैं या तो मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स ऑपरेटर कह सकते हैं। यहाँ ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स इसको हम क्यों कहते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स जो है, मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स जो है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और सब डब्ल्यू एच वर्ड्स जो है हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब क्या है? मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब ये है कि जब किसी भी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद वर्ब आ जाए, डायरेक्टली वर्ब आ जाए, तो उसको हम मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। जो सेंटेंस का एज अ मेन इस्तेमाल हुआ, सेंटेंस में मेन फंक्शन दे रहा हो, तो उसको हम कहते हैं मेन डब्ल्यू एच वर्ड। जिस तरह के हम कहते हैं कि हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब ये देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ आर यू, यह हाउ जो है यहाँ सेंटेंस का मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ सेहत के बारे में पूछा गया है कि हाउ आर यू, तो यहाँ इसके बाद जो वर्ब आया हुआ है आर, तो इसका मतलब है अब ये फंक्शन जो है वो एज अ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड का फंक्शन दे रहा है, लेकिन ये है मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स, एज अ सब्जेक्ट यूजर है सेंटेंस में। अब सब डब्ल्यू एच वर्ड जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग में, सो सिंपल, इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सब डब्ल्यू एच वर्ड्स वो है whenever we use the wh words after that words when the adjective come that should be the main sub wh words, yani sub wh words wo hai jab bhi kisi bhi wh word ke baad direct adjective aa jaye to usko hum sub wh word keh sakte hain। ab let's suppose how old are you, how old are you, is sentence mein aap dekh sakte hain कि मैंने हाउ के बाद ओल्ड लिखा। अब ओल्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि एज के बारे में हम पूछ रहे हैं, सो ओल्ड इज एन एडजेक्टिव हेयर, सो हाउ जो है यहां सब डब्ल्यू एच वर्ड है, सब डब्ल्यू एच वर्ड जो है इसको हम इसलिए सब डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। तो मेन डब्ल्यू एच वर्ड और सब डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में आपने देखा, मेन डब्ल्यू एच वर्ड के बाद वर्ब होगा और सब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव होगा। हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, सो हाउ डीप, हाउ हाई, इस तरह हम वर्ड हाउ मच, हाउ मैनी, ये वर्ड अगर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आ जाए तो ये हमारे पास सब डब्ल्यू एच वर्ड होगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने लॉन्ग ऑपरेटर और शॉर्ट ऑपरेटर्स को किस तरह यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उनके आंसर्स के मुख्तलिफ तरीके थे वो भी मैंने बता दिए, ठीक है। और मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स और सब डब्ल्यू एच वर्ड्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको हमने किस तरह इस्तेमाल किया हुआ है। सो आप इसमें प्रैक्टिस मिलाएं, जस्ट डोंट रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू यूज़ योर प्रैक्टिस, ओके। अपने प्रैक्टिस को किया करें, और प्रैक्टिस के बगैर आप स्पीकिंग नहीं कर सकते। ग्रामर जो है आपके फोर स्किल्स इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इन फोर स्किल्स अगर आपने इम्प्रूव करना हो तो आपने हर वर्ड को देखना है, हर वर्ड का इस्तेमाल आपने सही तरीके से करना हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।